हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मेरा मुंह थोड़ा सुझा हुआ लगेगा क्योंकि अभी मैं सो के उठा, सो के साथ फ्रेश होके आया। 17 और 18 मई को हमारी कॉलेज में होने जा रहा है 17 मिड ईयर कॉन्फ्रेंस इंडियन साइकेट्री डिपार्टमेंट असम स्टेट ब्रांच के द्वारा, जहां हमारे स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टीज, पीजी स्टूडेंट्स और स्टेट से बाहर से भी जाने माने पर्सनैलिटीज आएंगे। तो उन दो दिनों में ढेर सारा प्रोग्राम होगा, पीजी स्टूडेंट्स के बीच प्रेजेंटेशन का कंपटीशन और फैकल्टीज के द्वारा साइकेट्री से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर फेरियस डिस्कशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए वाकाथन, हमारे स्टूडेंट के बीच ड्राइंग कंपटीशन और 18 मई की शाम को है एक कल्चरल नाइट। तो हमें कल्चरल नाइट में एक डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, जिसके लिए हम लोग आज से रिहर्सल और कोरियोग्राफी शुरू कर देंगे। यह डांस होगा 10 इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स, क्षत्रिय, भरतनाट्यम और कथक के साथ साथ हिप हॉप का फ्यूजन। तो पूरा जर्नी डांस प्रैक्टिस से लेके परफॉर्मेंस तक रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, वीडियो आगे तक देखते रहेगा। अरे तो डांस प्रैक्टिस के सेगमेंट को मैंने मतलब तोड़ तोड़ के, मतलब कैसे रिहर्स किया, कैसे प्रिपरेशन किए, फिर कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इन सबको मैंने ब्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, देखते रहेगा। डांस रिहर्सल डे वन। आज तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, गाना सिलेक्शन हुआ और कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग, किसका क्या पोजीशन होगा, कौन कहाँ रहेगा, किसका कब एंट्री होगा, ये सब डिसाइड हुआ। तो लड़की लोगों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टेप्स कर लिया, लेकिन हम लड़के लोग आज नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ एंट्री वगैरह देखा और गाना सिलेक्शन किया, पोजीशन से देखा एंड हम लोग कल से प्रॉपर स्टेप्स रिहर्स करेंगे। डांस रिहर्सल डे 3। डांस रिहर्सल डे 4।
डे 5 डांस रिहर्सल डे 6 डांस प्रैक्टिस डे 7 हेलो, टुडे इस 18 में और इतने दिनों के रिहर्सल के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया जब हम परफॉर्म करेंगे। आई होप परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो आगे आगे देखते रहेगा, विश कि परफॉर्मेंस अच्छा जाए। ये जाने की बार चश्मे वाली मुर्गी Yeah।
एक सेकेंड, सब कुछ सही चल रहा था, अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा था। सर ने भी परफॉर्म किया, फिर वो फ्लूट वाले भैया उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सर लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब डांस की बारी आई तो इतना जोर से तूफान आया, कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाया। जो हमारा इतने दिन का मेहनत था ना, जो इतने दिन से हम लोग रिहर्स कर रहे थे, वो अल्टीमेटली जाके इवेंट के डे पे परफॉर्म ही नहीं कर पाए। सब लोग वेट कर रहे थे हम लोग परफॉर्म करेंगे बोल के, लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो थोड़ा तो बुरा लगा, क्योंकि इतने दिन का मेहनत, इतने दिन का रिहर्सल, इतना टाइम खर्च करके हम सब ने रिहर्सल के लिए टाइम निकाला, फिर अल्टीमेटली जाके जो परफॉर्मेंस के दिन था वो ही परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत जोर से तूफान आ गया तो बुरा लगा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाके तो परफॉर्म तो कर नहीं पाए, तो अपलोड करके क्या फ़ायदा। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ही आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो इस वीडियो को पोस्ट करने का कोई मायने नहीं रहा। तो फिर भी मतलब बाद में मुझे लगा, इतने दिनों से तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ डे वन से, तो अल्टीमेटली जाके मतलब दिल नहीं मना, चलो अपलोड कर ही देते हैं, एटलीस्ट एज ए मेमोरी बन के तो रह जाएगा ये कि हाँ कुछ तो किया था, हम लोगों ने एफर्ट तो डाले थे अल्टीमेटली। तो इसलिए बहुत सोचने के बाद ये वीडियो मैंने एडिट किया और अपलोड किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। मंगोलिया